हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं भगवान शिव, और भारतवर्ष में भगवान शिव की आराधना करने वाले कई असंख्य भक्त हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति का जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहता है। शिवलिंग को भगवान शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है। बहुत से लोग शिवलिंग की पूजा करते समय संशय में पड़ जाते हैं कि शिवलिंग की पूजा आखिर कैसे की जाती है, आखिर उसका सही नियम और समय क्या है, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पहला नियम ये कहता है कि शिवलिंग की पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले भगवान गणेश पर जल अर्पित करें, इसके बाद शिवलिंग की पूजा शुरू करें। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा करने के दौरान शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना उत्तम होता है। जल चढ़ाते समय भगवान शिव के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद दूध, दही, शहद आदि अर्पित कर सकते हैं। यदि गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो इसे स्टील के लोटे से चढ़ाना उत्तम होता है। तांबे के लोटे से कच्चा दूध चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक झुककर करना शुभ नहीं होता। इसके अलावा जलाभिषेक करते समय सीधे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक सीधे बैठकर करना चाहिए। दोस्तों, तो आपको कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।